दोस्तों, सफ़र तो आप सभी करते होंगे, फिर चाहे वो बस हो या ट्रेन, आपको किसी न किसी ब्रिज से होके गुजरना पड़ता है। पर क्या आप जानते हैं, दुनिया में ऐसे काफ़ी अनोखे ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट किए गए हैं जिन्हें हमने पहले कभी नहीं देखा होगा, और अगर देख भी ले तो हमारी आंखें खुली रह जाए कि आखिर इस तरह के ब्रिज बनाना संभव ही कैसे हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शांतनु कानस्कर, और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे ही टॉप 10 ब्रिजेस की लिस्ट लेके आया हूं जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अब तक आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो की जानकारी पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पे है बैनपो ब्रिज। बैनपो ब्रिज दक्षिण कोरिया में यात्रा करने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला ब्रिज है। ये एक डबल डेकर ब्रिज है जिसे हान नदी के ऊपर बनाया गया है। देखने में तो ये एक साधारण सा ब्रिज है, पर इसका मेन अट्रैक्शन शाम के वक्त होने वाली मूनलाइट रेनबो फाउंटेन शो है, जिसे देखने के लिए लोग काफी दूर से आते हैं। विजिटर्स को म्यूजिक और लाइटनिंग के साथ रेनबो फाउंटेन और डांसिंग वाटर का एक्सपीरियंस करने मिलता है, जिसे LED लाइट्स के जरिए और भी आकर्षित बनाया गया है, जिस वजह से ये ब्रिज पर्यटकों के लिए काफी मशहूर है। नंबर 9 पे है हेलिक्स ब्रिज। सिंगापुर में स्थित ये ब्रिज इस देश का सबसे लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन ब्रिज है। इसे डबल हेलिक्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, जो दुनिया का सबसे पहला डबल हेलिक्स ब्रिज है। ये मरीना बे एरिया के मरीना सेंटर और मरीना साउथ के एक दूसरे से कनेक्ट करता है। दिखने में तो ये ब्रिज सिर्फ 280 मीटर लंबा है, फिर भी यदि आप इसके निर्माण में इस्तेमाल किए हुए स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स को फैलाते हैं तो वो लगभग 3 किलोमीटर की लंबाई तक पहुंच जाएगा। यातायात के साथ इस ब्रिज का मुख्य आकर्षण शाम के वक्त यहाँ जलने वाली लाइट्स है, जिसे देखने के लिए मुख्य रूप से लोग आते हैं। इस ब्रिज का स्पाइरल डिजाइन कर्व्ड DNA स्ट्रक्चर से प्रेरित होकर बनाया गया है। नंबर 8 पे है लगुना गैरजोन ब्रिज। उरुग्वे में स्थित इस ब्रिज को देखने के बाद आप ये सोचेंगे कि इस ब्रिज को सीधे क्यों नहीं बनाया। दरअसल इसे इस प्रकार बनाने के पीछे दो उद्देश्य है। पहला, रिंग शेप बनाए गए पिलर्स इस लगून के बहाव में कोई बाधा नहीं प्रकट करता, और दूसरा, कर्व शेप होने की वजह से ड्राइवर्स गाड़ी को धीरे से चलाएंगे, जिस वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे और आप ड्राइव करते समय इस जर्नी का सुखद अनुभव भी ले सकेंगे। इस ब्रिज पे पेडेस्ट्रियन के लिए भी रास्ता बनाया गया है, जिसमें लोग यहां आके बैठने का और फिशिंग करने का आनंद भी उठाते हैं। इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन सितंबर 2014 में शुरू किया गया था, जो दिसंबर 2015 में कंप्लीट हुआ। नंबर 7 पे है द ट्विस्ट। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी ब्रिज के अंदर आपको म्यूजियम की सैर करने मिलेगी? जी हाँ, नॉर्वे में स्थित ये ब्रिज बाहर से दिखने में आपको सिर्फ एक ट्विस्टेड ब्रिज ही प्रतीत होता होगा, पर जैसे ही आप इस ब्रिज में प्रवेश करेंगे तो आप इसके इंटीरियर डिजाइन से आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ये ना सिर्फ एक ब्रिज है बल्कि एक म्यूजियम है। इस ब्रिज में 3 शोरूम हैं, जिसे क्लोज्ड गैलरी, ट्विस्ट गैलरी और पैनोरामा गैलरी के नाम से जाना जाता है। ये ब्रिज फ्लोर से लेकर सीलिंग तक ग्लास विंडो से बना हुआ है, जिससे उनका उपयोग करने वाले लोगों को नदी का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। इसका ट्विस्टेड शेप न केवल देखने में आकर्षित है, बल्कि ये 2 नदी के तटों को जोड़ता है, जो अलग अलग ऊंचाई पर स्थित है।
नदी के दक्षिण की ओर से विजिटर्स क्लोज गैलरी में प्रवेश करते हैं। उसके बाद ट्विस्ट गैलरी का पड़ाव आता है, जिसमें छत दीवार बन जाती है और दीवार छत बन जाती है, और पैनोरमा गैलरी, जिस पड़ाव में आप इस क्लोज गैलरी से बाहर निकलते हैं। नंबर 6 पे है गोल्डन ब्रिज। वियतनाम में स्थित ये ब्रिज न्यूचा माउंटेन्स के बाना हिल्स पर स्थित है। ये दनांग सिटी के पास सबसे दिलचस्प पर्यटकों में से एक है, जिसे जायंट हैंड्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। इस ब्रिज का अनावरण वर्ष 2018 में किया गया था, और तब से लेके अब तक ये दुनिया भर में पर्यटकों को आकर्षित करता आ रहा है। ये ब्रिज सन वर्ल्ड अम्यूजमेंट पार्क का हिस्सा है, जिसमें दुनिया की सबसे लंबी केबल कार की सवारी और कई अन्य आकर्षण भी शामिल है। गोल्डन ब्रिज हर साल हजारों लोगों को आकर्षित करता है। इस ब्रिज के नीचे दो हाथ है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इन हाथों ने पूरे ब्रिज का भार संभाला हुआ है, और आपको ब्रिज पे जाते समय ऐसा एहसास होगा कि आप इन दो हाथों में काफी सुरक्षित हैं। नंबर 5 पे है गेटशेट मिलेनियम ब्रिज। दोस्तों, अब तक हमने जितने भी ब्रिज देखे हैं, वो सब एक से बढ़कर एक है, और अब आपके सामने है इंग्लैंड में स्थित गेटशेट मिलेनियम ब्रिज, जो दुनिया का इकलौता टिल्टिंग ब्रिज है, जिस वजह से इसे ब्लिंकिंग आई ब्रिज भी कहा जाता है। ये ब्रिज सिर्फ पेडेस्ट्रियन और साइकिलिस्ट के लिए बनाया गया है। नदी के ऊपर से जाने वाले इस ब्रिज को आसानी से मोड़ दिया जाता है, ताकि कोई भी बोट आसानी से पार हो सके। इस ब्रिज के नाम कई रिकॉर्ड्स भी दर्ज है। नंबर 4 पे है द फ्लोटिंग ब्रिज। दोस्तों, वैसे तो पानी के ऊपर कई ब्रिज बनाए गए हैं, लेकिन चाइना में स्थित फ्लोटिंग ब्रिज का ये दृश्य आपको बहुत ही सुखद अनुभव देगा। ये अपने प्राकृतिक दृश्य और स्थान के लिए कई पर्यटकों को आकर्षित करता है। केवल 500 मीटर लंबा और 4.5 मीटर की चौड़ाई वाले इस ब्रिज का सफर आप चाहेंगे कि कभी खत्म ना हो। जैसे ही इस ब्रिज पर प्रेशर पड़ता है, तो ये ब्रिज बेंड हो जाता है, जिस वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि आप पानी पे चल रहे हैं। ये ब्रिज एक घुमावदार नदी पर बनाया गया हुआ है, जो पूरी वाटर बॉडी को कवर करता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नंबर 3 पे है बेलवेमीर एक्वाडक्ट। दोस्तों, अगर आप इस ब्रिज को पहली बार देख रहे हैं, तो आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये किस तरीके का ब्रिज है और इसे बनाया कैसे गया। दरअसल ये ब्रिज आर्किटेक्ट और इंजीनियरिंग की एक मिसाल है, जिसे पानी के अंदर बनाया गया है। आमतौर पर अगर पानी से कोई नाव गुजर रही है, तो ब्रिज की यातायात को रोक कर उसे खोलना पड़ता है, बट वेलोवेमीर एक्वाडक्ट की मदद से पानी के अंदर सुरंग बनाई गई है, जिसकी मदद से यातायात में कोई रुकावट न होते हुए गाड़ियां एक छोर से दूसरी छोर जा सकती हैं। नंबर 2 पे है रुई ब्रिज। चाइना में स्थित ये ब्रिज 140 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया एक बहुत ही आकर्षित ब्रिज है। ये ब्रिज झांजियान प्रोविजन के शेंजियाजी वैली के ऊपर बनाया गया है। इस ब्रिज का डिजाइन चाइनीज परंपरा रुई से प्रेरित है, जिसे खुश और अच्छे शगुन का प्रतीक माना जाता है।
ये ब्रिज सितंबर 2020 में पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया था, पर इसके बारे में लोगों को तब पता चला जब वर्ष 2021 में एक मशहूर कैनेडियन एस्ट्रोनॉट ने इसकी वीडियो ट्विटर पर शेयर की। उसके बाद तो इस ब्रिज पे आने वाले पर्यटकों की मात्रा अधिक बढ़ गई। नंबर वन पे है जेंजाइल ग्लास ब्रिज। ये ब्रिज दुनिया का सबसे लंबा और ऊंचाई पर स्थित ग्लास बॉटम ब्रिज है, जो झेंजियाजी ग्रैंड कैनियन में दो पहाड़ों पर फैला हुआ है। दूर से देखते हुए यह बादलों और कोहरे के बीच तैरता हुआ सफेद रेशम के टुकड़े की तरह दिखाई देता है, इसीलिए इसे युतियांदु मतलब ए वे ऑफ क्लाउड्स टू स्काई कहा जाता है। इस ब्रिज के नीचे ट्रांसपेरेंट ग्लास है, जो आपको बहुत ही थ्रिलिंग और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस देने के लिए काफी सक्षम है। इस ब्रिज पे एक साथ 600 लोग जा सकते हैं। इसका ग्लास इतना मजबूत है कि कई बार हथौड़े से प्रहार करने के बाद भी इसे कुछ नहीं होगा। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ब्रिज कितना मजबूत है। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। मैं ये उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जाने से पहले अगर आपने इस इनमें से किसी भी ब्रिज पे विजिट किया है या आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। Thank you.